नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके एजुकेशन में। महाराष्ट्र 10वीं एसएससी बोर्ड रिजल्ट 2020 को लेकर आ चुकी है अब तक की सबसे बड़ी खबर। बोर्ड ने जारी कर दिया आपका परिणाम, ये बात सच है या फिर झूठ है? अगर अभी तक आपका परिणाम जारी नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा? दोस्तों, ये सारी की सारी बातें वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल के एजुकेशन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी को ही आपका रिजल्ट आएगा। उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप ऑटोमेटिकली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनट के साथ। यहाँ पर आपको राकेश यादव व आरएस अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनट पर सेंड कर देनी है। 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, जब आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया तो हम अलग अलग वेबसाइट पर खोजबीन या पड़ताल करना शुरू कर दिए। तो मैंने वहाँ पे अलग अलग वेबसाइट पे जाके 3-4 चीज़ें वो पाई है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत बता लेता हूँ। सबसे पहले, आपका रिजल्ट है किसी भी हालत में कब तक आ सकता है? तो किसी भी हालत में आपका रिजल्ट है वो 25 जुलाई, एक डेट एक्सटेंड की जा रही है जो कि 25 जुलाई को आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद की बात कर लेते हैं कि अगर आपका रिजल्ट आ गया 25 तारीख को या फिर किसी कारणवश 25 तारीख को नहीं आता तो आपका रिजल्ट कब आएगा। अगर किसी कारणवश 25 को आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट पक्का 28 को आ जाएगा, क्योंकि 26-27 को पॉसिबल नहीं है आपका रिजल्ट आने को, तो आपका रिजल्ट है वो 28 को आ जाएगा किसी भी हालत में। बाकी का तो हमारी टीम ने अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह समय पर पड़ताल की, पड़ताल के अंदर पाया कि हमारे द्वारा बताए गए निर्धारित समय पर ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। बाकी का महाराष्ट्र बोर्ड से रिजल्ट पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप एक भी अपडेट है वो मिस नहीं करो।